हमारा जो चल रहा है व्याप्त रूप में उसी को लेकर हम आपसे हम लोग मिलने आए हुए हैं और आपको एक एक करके समस्या से अवगत भी करा रहे हैं। लेकिन प्रमुख रूप से हमारा ये बताना है कि ये नाला सफाई अभी नगर निगम द्वारा योजना बनाई गई है और कार्य चल भी रहा है। समस्त वार्ड क्षेत्रों में सुपरवाइजर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा गैंग दी गई है, लगभग 20-20 कर्मचारियों की गैंग दी गई है जो नाला सफाई कर रही है। लेकिन प्रयास देखने को ये मिल रहा है कि जो 20 कर्मचारियों की गैंग जो दी गई है, मौके पर अगर अधिकारी जांच करें तो शायद 20 कर्मचारी वहाँ उपलब्ध नहीं होंगे। दूसरा विषय, जब उसको सफाई करने के बाद नगर निगम में इतने उपकरण हैं कि उस कीच को, उस मलबे को ट्रैक्टर में डालकर और ट्रॉलियों में डालकर दूसरे स्थान पर ले आया जा सकता है, उसके बावजूद भी बहुत सारी कीच दुकानदारों की दुकान के आसपास पड़ी रहती, जिससे व्यापारी को, दुकानदार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको ये परेशानी ना हो, इसके लिए सुविधाजनक तरीके से कार्य करें। तीसरी चीज़, नाले की सफाई इतनी अच्छी तरह से होनी चाहिए कि 2 महीने बाद जो बारिश हो रही है, आने वाली है, उस बारिश में ये ना देखें कि नाले सफाई की पोल ना खुल जाए कहीं, जिससे नगर निगम की बदनामी ना हो। समस्त पार्षदगण यहाँ पर अपनी इसी सब वार्ड क्षेत्रों की समस्या है जो सफाई की, उसको लेकर आए, उनको अवगत कराया है कि हम नगर निगम का एक हिस्सा है, नगर निगम में कार्य ईमानदारी से और तरीके से होना चाहिए, जिससे कि जनता को उंगली उठाने का या कहने का मौका ना मिले। अभी हम नगर स्वास्थ्य अधिकारी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है और हमने बताया हमारे क्षेत्रों में जो नाले जो हैं बिना बारिश के पूरे ऊपर तक भरे हुए हैं और जो कर्मचारी मिले हैं उनसे जो है सफाई जो कराई जाए, उनसे किसी व्यापारी को परेशानी ना हो, हमारी प्रमुख मांग तो यही है। और जो सिल्ट जो है तुरंत ही तुरंत उठा ली जाए, वो 8-8 दिन तक पड़ी रहती है, उससे लोगों को परेशानी होती है, ये हमारी मांग है।